तो अभी से पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि किस्मत का ग्रह कैसे ढूंढते हैं। भला किताब में एक और कॉन्सेप्ट है जिसमें हम ये समझते हैं कि आपके खाने यानी कि हाउसेज आपकी कुंडली के सोए हुए आते हैं, तो उसके कुछ रूल्स हैं वो मैं एक अलग से वीडियो में डाल दूंगा। किस्मत का ग्रह अगर आपको देखना आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है डिस्क्रिप्शन में आपको वो भी वीडियो मिल जाएगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले, वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है खानों को जलाने के लिए। स्टिल आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए सो दैट मैक्सिमम लोग इस वीडियो को या इस चैनल को बेनिफिट के तौर पर ले सकें। बेल आइकन जरूर दबाइए सो दैट जो भी वीडियो इसमें डाली जाए वो आपको सबसे पहले मिल सकें। तो ये बात करते हैं हम खानों को कैसे जागरूक किया जाए, खानों को कैसे जगाया जाए। तो सबसे पहले तो ये चीज़ है कि खाने जो है जो हाउसेज जो हमारे होते हैं उनको जगाने वाले ग्रह कौन से हैं, यानी कि सोया हुआ अगर खाना आपका कोई भी साल किताब के हिसाब से अगर बनता है तो खाना नंबर 1 से लेकर 12 तक कौन सा खाना किस ग्रह को, सॉरी कौन से खाने को कौन सा ग्रह जो है वो जगा सकता है, खाना वार यानी कि हाउस वाइज आपको ये चीज़ें मैं बताऊँगा। तो खाना नंबर 1 को मंगल जागृत कर सकता है, खाना नंबर 2 जो है उसको चंद्र जागृत कर सकता है, खाना नंबर 3 को बुध जागृत कर सकता है, 4 को चंद्र, 5 को सूर्य, 6 को राहु, 7 को शुक्र, 8 को चंद्र, 9 को बृहस्पति, 10 को शनि, 11 को बृहस्पति और 12 को केतु, ये ग्रह इन खानों को जागृत कर सकते हैं। ये है जनरल कंडीशन जहाँ पर आप रेमेडीज करके डिफरेंट काइंड ऑफ रेमेडीज से इन खानों को जो है वो जागृत करते हैं। लेकिन क्या ग्रह अपनी आयु के अनुसार यानी कि ग्रहों की जो एक्टिवेशन एज होती है या फिर उनकी अवधि जो होती है उसमें भी क्या ग्रह अपने आप जागृत होते हैं, या फिर काम कोई ऐसे अगर हम एक्टिविटीज करें तो उसमें भी क्या ग्रह जागृत हो जाते हैं? तो इसका आंसर है हाँ, यानी कि ग्रह अपने आप भी जागृत होते हैं। लेकिन किस तरह से, कौन सी एक्टिविटीज से होते हैं उनको हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बृहस्पति की, यानी कि जुपिटर की, गुरु की, बृहस्पति की। तो बृहस्पति तब जगेगा जब आप कोई भी काम काज शुरू कर लेंगे अपनी लाइफ में पहली बार, कोई भी आम कारोबार जब आप शुरू करेंगे तब बृहस्पति जागृत हो जाएगा। इसकी अपने आप जागने की जो उम्र है वो 16 साल के बाद। सूर्य की अगर हम बात करें, सूर्य सरकारी जो काम कोई भी है, सरकारी नौकरी जो है या सरकारी जो भी आप काम करते हैं उससे जो है सूर्य आपका जागृत हो जाता है, या सरकारी नौकरी लगने पर भी सूर्य जागृत हो जाता है। सूर्य की जो एक्टिवेशन एज है वो है 22 साल। चंद्र जो है वो आपकी एजुकेशन शुरू होने पर जो है या एजुकेशन से कनेक्ट होने पर चंद्र जो है वो जागृत हो जाता है। चंद्र जागृत होने की कंडीशन पर एज पर जो है वो 24 साल चंद्र की बताई गई है। शुक्र जो है वो शादी करने पर एक्टिवेट हो जाता है, या जब हम रिचुअल्स शादी की जब करते हैं खुद के लिए जब होते हैं, खुद की शादी जब होती है तब शुक्र एक्टिवेट हो जाता है। 25 साल की उम्र बताई गई है शुक्र के लिए। मंगल जो है वो औरत से संबंध बनने पर एक्टिवेट होता है, तो मंगल की एज जो है वो 28 साल जो है वो बोली गई है। बुध की एक्टिवेशन एज व्यापार, बहन या लड़की की शादी करने पर होती है, 34 साल उम्र जो है में बुध की एक्टिवेशन बोली गई है। शनि तब एक्टिवेट होगा जब आप अपना मकान बनाएंगे, यानी कि मकान बनाने की जब भी आपकी कंडीशन शुरू होगी तब आपका शनि एक्टिवेट हो जाएगा। 36 साल की उम्र शनि को बताई गई है। राहु जो है वो ससुराल से ताल्लुक जब भी आपके बनेंगे तब राहु जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा आपका। राहु की जो एज है वो 42 ईयर्स बताई गई है। केतु जो है संतान की पैदाइश के वक्त, संतान यानी कि मेल चाइल्ड की पैदाइश के वक्त केतु आपका एक्टिवेट हो जाएगा, या फिर 48 साल में अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा। ये एक एक्टिविटीज एंड एज दोनों की कंडीशन के हिसाब से मैंने बताया है कि इस कंडीशन में आप ग्रहों को जो है वो एक्टिवेट कर सकते हैं। ऐसा कहा गया है कि कोई ग्रह जैसे अपने आप अगर एक्टिवेट होते हैं तो वो नुकसान की कंडीशन में जाते हैं, और अगर आपकी कंडीशन में खुद जागृत कर लेते हैं अपने वर्ष फल के अनुसार तो वैसी कंडीशन में, या ग्रह फल के अनुसार, लग्न कुंडली के अनुसार, तो वैसी कंडीशन में आप उससे फायदा भी ले सकते हैं। जो भी ग्रह शक्ति हो उसका उपाय करके फायदा लिया जा सकता है। ये थे खानावर चीज़ें जो जिसमें मैंने आपको कोशिश की है बताने की कि मैक्सिमम चीज़ें आप इसमें किस तरह से देख सकते हैं या अपने सोए हुए खानों को जगा सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें सो दैट मैक्सिमम लोग इस वीडियो को बेनिफिट एंड लर्निंग के तौर पर ले सकते हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए सो दैट कोई भी वीडियो आने वाली आपके तरफ सबसे पहले पहुँच सके। बहुत जल्दी एक नई टॉपिक के साथ आपके सामने आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।